हेलो गाइस, आज हम राइट ऑफ वे के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारी सड़क होती है उसमें एक होता है राइट ऑफ वे, जो हमारी पूरी सड़क में कितने हमारे कंपोनेंट्स आते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिस पे हम सड़क पे हम व्हीकल ड्राइव करते हैं वो हमारा कैम्बर होता है, ये पूरा हमारा एरिया जिस पे हमारे व्हीकल चलते हैं। इसके जो ये साइड में है दोनों तरफ, ये हमने फुटपाथ दिखाया हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा एरिया छोड़ के हम सर्विस रोड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये जो ये थोड़ा सा एरिया छोड़ के हमारी यहाँ पे बिल्डिंग लाइन आ जाती है, यहाँ से बिल्डिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो पूरा एरिया होता है इसे हम राइट ऑफ वे बोला जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे IRC ने सजेस्टेड करे हुए हैं, जो मिनिमम शोल्डर विड्थ होती है, जैसे हम कैम्बर जो हमारी सड़क के पास जो कैम्बर होता है ना, सड़क के बगल में हम जो थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं जिसमें आप अपने कच्ची रोड जिसे कहते हैं, इसमें आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए आप अपनी व्हीकल चला सकते हैं उसमें, तो उसे 2.5 मीटर दिया जाता है। ये मिनिमम शोल्डर विड्थ है। और इसमें ये होता है कि जैसे आप नॉर्मल ओवरटेकिंग कर रहा है कोई, या आपको थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, या आपको एग्ज़िट करना है रोड से, आपको थोड़ी देर रुकना है, तो उसके लिए आपको शोल्डर विड्थ देनी पड़ती है। मिनिमम साइकिल ट्रैक की विड्थ जो होती है वो 2 मीटर होती है। मिनिमम फुटपाथ विड्थ, इसकी जो लेंथ विड्थ होती है ये 1.5 मीटर होती है। और जैसा लिखा है एज सजेस्टेड बाय IRC, ये सारे IRC के अंदर रूल्स दिए गए हैं।